हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस ऑन टॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे आपको फिटनेस, हेल्थ टिप्स और डाइट से रिलेटेड और एक्सरसाइज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अगर हमारी बॉडी में 30 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर से कम है विटामिन डी का जो लेवल, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल बहुत कम है। हमें अपने डेली इनटेक में, डेली डाइट में विटामिन डी रिच सोर्सेज जो कोई भी ऐसे फूड्स हैं जहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है, उस तरह के फूड्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है और उसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि ये जो डेफिशिएंसी है उसको हम रिकवर कर पाएँ। ऐसे 10 इंडिकेशन बताने जा रहा हूँ जो हमारी बॉडी बताती है, जिससे हमें पता लग पाए कि हाँ, हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं और हमें इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहला है बोन पेन। अगर हमें बोन पेन की शिकायत होती है या फिर हड्डियों में दर्द फील होता है और इसकी कंप्लेन करते हैं कि लगातार या कई दिनों से या कई महीनों से हमें बोन पेन की शिकायत हो रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो कम हो गया है और हमें विटामिन डी रिच सोर्सेज को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। दूसरा जो इंडिकेशन है वो जो हमारी बॉडी देती है वो है मसल वीकनेस। अगर हम मसल वीकनेस फील कर रहे हैं, हमारे मसल में वीकनेस महसूस हो रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो लो हो गया है और हमें डेली डाइट में विटामिन डी रिच सोर्सेज जो फूड्स हैं उनको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है, उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जो विटामिन्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी हम चीज़ें खाते हैं डेली बेस पे या जो भी डाइट हमारी, उसमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन्स है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो अनएक्सप्लेन्ड फैटिक। बिना किसी कारण से हम थका महसूस करते हैं, थकान महसूस होती है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो लो है और हमें इस पे वर्क करने की ज़रूरत है और विटामिन डी रिच डाइट लेने की ज़रूरत है। चौथा जो ऑप्शन है वो है हमें डिप्रेशन, कई केसेस में देखने को मिलता है, तो विटामिन डी उसके पीछे भी एक रीज़न हो सकता है कि हो सकता है हमारी बॉडी में विटामिन डी का कमी हो और हमें विटामिन डी रिच फूड्स लेने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के जो चीज़ें हैं उससे हम बच पाएँ और लेटर ऑन हमें किसी तरह का कोई हेल्थ इशू ना हो। जो नेक्स्ट इंडिकेशन हमारी बॉडी हमें देती है वो हेयर लॉस। अगर हम कंटिन्यूसली हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हम सही कर रहे हैं, डाइट भी सही ले रहे हैं या फिर जो बालों की देख रेख होती है वो भी सही से कर रहे हैं, फिर भी अगर हेयर लॉस हो रहा है, तो एक ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो लो हो गया, बिलो जो रिक्वायरमेंट हो गया है। तो इस केस में भी हमें ये समझ जाना चाहिए और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो छठा इंडिकेशन हमारी बॉडी देती है वो भूख में कमी। कई बार हमें टाइम पे भूख नहीं लगता या भूख में कम लगने की शिकायत होती है, तब भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और विटामिन डी रिच जो फूड्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए अपने डेली डाइट में और ध्यान देना चाहिए। हो सकता है इसके पीछे भी विटामिन डी का रीज़न हो, हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो, हम विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हों। सातवां जो इंडिकेशन है वो हमारी बॉडी का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं, पर इसके पीछे कई प्रकार की नॉलेज की कमी होती है, वो समझ नहीं पाते कि क्या रीज़न हो सकता है, किस कारण से है। वो है हमारे स्किन का पीलापन। कई बार हम देखते हैं कि बॉडी का जो स्किन है वो पीला पड़ जाता है, तो इससे भी एक हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, हमारी बॉडी विटामिन डी से सफ़र कर रही हो, कि विटामिन डी की कमी हो, तो हमें विटामिन डी रिच जो सोर्सेज हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। और जो आठवां ऑप्शन है, जो आठवां इंडिकेशन है जो हमारी बॉडी हमें बताती है, वो है मोर एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन। फ्रिक्वेंटली हमें इन्फेक्शन होते रहता है किसी ना किसी चीज़ से, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी का कमी है और हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। जो हम डाइट लेते हैं डेली बेस पे उसको केयरफुली लें और उसमें विटामिन डी रिच जो सोर्सेज हैं उनको इंक्लूड करें।
और जो कई केस में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो उससे हमारे स्लीपिंग आवर्स जो है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारे सोने की जो ड्यूरेशन है उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर इस तरह की शिकायत हो रही है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हो सकता है हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो, और हमें ये चीज़ सीरियसली नोट पे कंसीडर करना चाहिए और विटामिन डी रिच जो फूड्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए अपने डेली लाइफस्टाइल में। लास्ट और जो दसवां ऑप्शन है वो है पुअर गम्स। कई बार हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो पुअर गम्स की शिकायत होती है, दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी शिकायत होती है, तो ये दोनों एक इंडिकेशन है विटामिन डी के डेफिशिएंसी का। इस तरह की अगर शिकायत हो रही है, ये जो 10 मैंने इंडिकेशंस बताए हैं जो हम देख सकते हैं, 10 पॉइंट्स में से किसी भी एक तरह की शिकायत है या कोई इंडिकेशन हमें दिख रहा है, तो हमें सीरियस हो जाना चाहिए और अलर्ट मोड पर होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो हमें अपने डेली डाइट में विटामिन डी रिच जो फूड्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन डी रिच जो फूड्स हैं, जो सोर्सेज हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेटली, और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो और आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक अनाउंसमेंट है, नोएडा में अगर किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, एक्सरसाइज सेशन अरेंज करवाने हो किसी को, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें 9971475698 पे। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, 9971475698। इस पर आप WhatsApp कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, azonTop@gmail.com पे, azonTop@gmail.com पे इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।